हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं जो है आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाया था, तो आज मैं हूँ पर्टिकुलर वीडियोस बना रहा हूँ सारे कमेंट्स पर। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसे पर्टिकुलर वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो कमेंट है यहाँ पर, ओनली यूपीएससी करके है एक आईडी, उन्होंने कमेंट किया है, बोल रहे हैं सर दो सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हूँ, एंड क्या मैं बैक का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। केमिस्ट्री में एक नंबर कम है और फिजिक्स में तीन नंबर कम है, तो यानी केमिस्ट्री में वो एक नंबर से फ़ेल हुए हैं और फिजिक्स में तीन नंबर से फ़ेल हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि यहाँ पर ग्रेस क्यों नहीं मिली। तो देखो, ग्रेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप दो सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते और ग्रेस के अंडर में आ रहे होते तो आपको ग्रेस मिल जाती यहाँ पर। अब आप अपने आप को ग्रेस में कैसे लेकर आएँ, वो सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ताकि आप ग्रेस में अंदर ले आएँ अपने आप को और आप जो है यहाँ पर ईयर वैक लगने से बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी दो सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आपकी ईयर वैक लगना बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ बनती है, आपकी ईयर वैक लग सकती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने साल को पूरा बचा सकते हैं, आपकी ईयर वैक नहीं लगेगी। सबसे पहली बात, आपका एक नंबर जो है केमिस्ट्री में कम है और फिजिक्स में तीन नंबर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है जो फिजिक्स का पेपर है जिसमें तीन नंबर कम है, आप एक काम करो, उसका बैक का फॉर्म भर दो, ठीक है। वहाँ पर आप बैक का फॉर्म भर दीजिए और उस पेपर को दीजिए। उस पेपर में जैसे ही आप पास हो जाएंगे, जैसे उसमें पासिंग मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में, तो आपको केमिस्ट्री में एक नंबर की ऑटोमेटिक ग्रेस मिल जाएगी। तो यानी आप दोनों में पास हो जाएंगे, दोनों सब्जेक्ट में, और दोनों में पास हो जाएंगे तो ओवरऑल भी आप पास हो जाएंगे और आपकी ईयर वैक लगने से बच जाएगी। तो ये सॉल्यूशन है इसका, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सॉल्यूशन तभी अप्लाई हो पाएगा कि आप ग्रेस के अंडर में आ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पता लग रहा है 10 नंबर का अंतर हो और 20 नंबर का अंतर हो, या मान लो 8 नंबर का 7 नंबर का अंतर हो, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाएंगे। लेकिन इनके में, ओनली यूपीएससी वाले में जो है, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर और तीन नंबर की कमी है, बहुत ज़्यादा की दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वाला जो है फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आप बैक पेपर दीजिए और केमिस्ट्री में आपको एक नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है और इससे आप पास हो जाएंगे, आपकी बैक जो है बच जाएगी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना यार इसे फटाफट से, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।